नमस्कार दोस्तों, टेकेश्वर के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि क्रोम में आप कितने टैब्स ओपन रख सकते हो। मैं ये ट्रायल रन के बेसिस पे मैं देख रहा था कि मेरा फोन कितने टैब्स ओपन रखने के बाद वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो पिछले 1-1.5 महीने से मैं डेली क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक भी टैब क्लोज नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आई एम कंटिन्यूअसली स्क्रोलिंग इट डाउन। आप देख पा रहे हो कितने सारे टैब्स मेरे इसमें ओपन है, और एवरी टाइम व्हेनेवर आई ओपन द क्रोम ब्राउजर अगेन, यू कैन सी ऑल दीज टैब्स आर अवेलेबल फॉर माई रेफरेंस। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स मैंने खोले है, बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स ओपन किए हैं, कुछ जगह पे मैंने स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं, कुछ जगह पे मैंने इमेजेस डाउनलोड किए हैं, कुछ जगह पे मैंने यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उसके लिए मैंने देखा है, कुछ वेबसाइट्स मैंने यहाँ से ब्राउज की है। सारा डिटेल्स यहाँ पे वैसे के वैसे रखा हुआ आपको देख सकते हो, एंड आई एम कंटिन्यूसली स्क्रोलिंग अप गाइज। अगर आप देख पा रहे हो तो जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे कम से कम 200 से 250 के आसपास टैब मेरा यहाँ पे ओपन होगा। इनकॉग्निटो मोड पे मैं ज्यादा कुछ यूज नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना सारा टैब्स है जो मेरे एंड पे मैंने ओपन रखा है। तो इस तरीके से इतने सारे टैब्स ओपन होने के बाद भी मेरा क्रोम लैग नहीं कर रहा है कहीं पे भी। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग एंड दिस इज लिटरली अ माइंड ब्लोइंग थिंग फ्रॉम माइंड। ठीक है, तो आप भी मुझे बताओ आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हो, और अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हो तो क्रोम में आपको कितना सारा टैब्स आपने अभी तक ओपन करके रखा है, प्लीज बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाय बाय।